हे ऑल डी एम आई व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग्स एंड डिकोडिंग्स के बारे में। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और प्रीवियस वीडियो में हमने एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बारे में और भी कंटेंट डाला हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में हमने जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट बनाई है, उधर जाके आप देख सकते हो। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग्स एंड डिकोडिंग के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट है हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोडिंग्स एंड डिकोडिंग्स में जनरली क्या होता है, जो एबीसीडी जो अल्फाबेट होते हैं उसमें कोडिंग करना होता है। जो भी क्वेश्चन होता है आपको समझना है कि उसकी कोडिंग एसेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में की हुई है, या तो अल्फाबेट को किसी और अल्फाबेट के बदले में रिप्लेस किया है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी है। उसमें क्या होगा, कभी ए की जगह ए को सी बोला है, डी को ई बोला है, देन बोलेगा कि ई को क्या बोलेंगे। आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ए को डी बोला है, इसको ये बोला है, इसको वो बोला है। तो उसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगी, कुछ ना कुछ कोडिंग एंड डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट होगा। क्या होगा, ए को सी बोला है तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा कि बी को छोड़ दिया है, उसमें ए में एक ऐड करो, मतलब बी को छोड़ दो और सी आया। सी को अगर डी बोलेगा तो डी छोड़ दो, ई आया। ऐसे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में छोड़ा ही होगा जो आपको हेल्प करेगा सॉल्यूशन के लिए। तो चलो हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में हम कुछ उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और भी क्लियरिटी होगी। मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ, इसमें जो अल्फाबेट दिए हुए अगर हम उसको एसेंडिंग में याद रखें तो अगर ए को मैं वन बोलूं तो अल्फाबेट जो कि एबीसीडी में 26 होते हैं तो जेड 26 होगा। अगर जेड को मैं वन बोलता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ए मेरा 26 होगा। ओके, आपको ये याद नहीं रखना है, रट्टा नहीं मारना है, आपको क्वेश्चन पे जाना है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में दिया है तो ए को वन याद रखो, जेड को 26। बीच में कुछ कुछ याद रखो, नंबर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बाकी अपने आप मिल जाएगा। जैसे कि एच को अगर आपको याद रखना है तो एच जो कि 8 नंबर पे होता है, आप याद रखने के लिए क्या करो, ये एच होता है ऊपर से आप ऐसे कर सकते हो, ये 8 जैसा हो गया जो कि इधर एच है। एम और एन टोटल 26 है, तो एम जो कि 13 पर है तो एन 14 पर होगा। ओ पी, ऐसे आप कुछ कुछ बीच में याद रख सकते हो, या तो आप ऐसे ही एबीसीडी लिख के आप अपने क्वेश्चन को इजी कर सकते हो। जस्ट मैंने हिंट दिया कि अगर आपको एसेंडिंग में जाना है तो ए को अगर मैं वन नंबर लेता हूं तो जेड मेरा 26 होगा। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, जैसे कि जेड को वन बोला, टू, देन थ्री, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो मेरा ए 26 होगा। तो जस्ट आप याद रखने में इधर असेंडिंग ऑर्डर लिखता हूं, 1 2 3, D4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26। ऐसे ही आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो चलो हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे आपको हेल्प होगी अंडरस्टैंडिंग में समझने के लिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है इधर, डी इज इक्वल टू 4, देन बोला है सी ओ वी आर इज इक्वल टू 63, देन बेसिस मतलब बी ए एस आई एस इज इक्वल टू व्हाट। अगर डी को 4 बोला है तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए जो अल्फाबेट है उसमें डी को कौन से नंबर से डिनोट किया है। इधर आप जाओगे तो डी को 4 से डिनोट किया है। देन हमें मांगा है सी ओ वी ई आर, सी ओ वी ई आर, सी का कौन सा है 3, ओ के लिए कौन सा है 15, V के लिए कौन सा है 22, E के लिए 5, देन R के लिए है 18।
अगर हम इन सबको जोड़ दे, एडिशन कर दे, तो 15 + 3 = 18, ये 18 हो गया, 22 + 5 = 27 और ये 18 + 18 = 36 और 27 ऐड करेंगे तो 63 होगा। तो आपके माइंड में क्लियर हो गया कि हमें एडिशन करने से 63 हो जाएगा। तो हमें इन सब का कोड हमारे पास है, बी के लिए कौन सा है 2, देन ए के लिए 1, एस के लिए कौन सा है आप इधर देख सकते हो 19, आई के लिए कौन सा है 9, देन एस के लिए अगेन 19। इन सब का अगर एडिशन करोगे, इन सब का इनका क्या होगा 3, 19 × 9 दो बार है तो 19 × 9 = 38, देन ये 9, 38 + 3 = 41 होगा, देन ये 9, तो हमारा आंसर आया 50। आपको इस दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस दोनों में अगर एडिशन अप्लाई किया है तो नेक्स्ट में भी एडिशन होगा। ये दोनों में जो अप्लाई होता है कोडिंग का डीकोडिंग का ऑप्शन सॉरी कॉन्सेप्ट, वही इसमें अप्लाई होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और क्लियरिटी आपको मिलेगी। AT = 20, BAT = 40, देन CAT = what। ए के लिए हमारे पास कोड कौन सा है, अगर हम एसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि होता है कि नहीं। ए के लिए जा रहे हैं तो 1, टी के लिए हमारे पास कौन सा है, टी के लिए हम देखेंगे तो 20, तो हम इस दोनों में कौन सा ऑपरेशन करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। तो आप इतना तो समझ सकते हो कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। वही रूल वही कॉन्सेप्ट इसमें अगर अप्लाई होता है तो ये डेफिनेटली अप्लाई करेगा वो। तो बी ए टी, बी के लिए कौन सा है 2, ए के लिए 1 एंड टी के लिए अगेन 20, जो कि हमने इसमें लिया था कोडिंग, 20 × 1 × 2 = 40, ये अप्लाई कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को, तो ये डेफिनेटली उसको फॉलो करेगा। सी के लिए कौन सा होगा 3, ए के लिए 1 और टी के लिए 20, तो 20 × 1 × 3 = 60, सॉरी ये हमारा सी होगा 60। इसमें क्या हुआ, अगर हमने हमने एसेंडिंग ऑर्डर में देखा डी 4 है, सी का कोड, सब का कोड हमने लिख दिया, हमने देखा कि इसमें एडिशन अगर आप डालोगे तो हमारा आंसर मिल रहा है इन दोनों में। डी अकेला 1 है तो इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें एडिशन फॉलो कर रहा है तो ये एडिशन फॉलो करता ही होगा। तो इसकी हेल्प से, डीकोडिंग और कोडिंग के कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमें आंसर मिला 50। अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो तो बहुत टफ हो जाएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन हमें नई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, वो बाहर का ऑप्शन आएगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एडिशन इधर पॉसिबल था, इधर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल था, ये दोनों जो फॉलो करते ये कंपलसरी वो फॉलो करेगा ही। अगर अपने घर का रूल हम नहीं अप्लाई कर सकते इसमें, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। इधर दिया है E = 10, J = 20, ई हमारे पास कोड कौन सा है 5, लेकिन इधर 10 दिया है तो ये 5 का डबल है 10, तो 2 मल्टीप्लाई किया है। इसमें भी होता है कि नहीं हम चेक करेंगे, J के लिए 10 है, 2 मल्टीप्लाई हुआ 10 टू, ओके नो डाउट। O के लिए अगर 30 हो रहा है तो ये 15 ही होगा नंबर 15, ओके 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो T 40, मतलब T हमने आगे भी देखा ये T 20 आ रहा था हमारा, तो बोल रहा है कि इसका सबमिशन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, P का जो कोड हमारा आ रहा है एसेंडिंग ऑर्डर में उससे हम डबल लिखेंगे, T का हमारे पास कितना है 40, तो T के लिए 40 प्लस S के लिए कितना है 19 का डबल कितना हुआ 38 प्लस E के लिए कितना है हमारे पास 10 दिया हुआ है प्लस P के लिए कितना है, अगर हम P को देखें तो P के लिए हमारे पास 36 P के लिए हमारे पास 16 है, तो 16 का डबल कितना हुआ 32। इन सब को हम जोड़ दे तो इनमें से कोई भी एक पॉसिबल होगा। चलो हम चेक करते, 14 + 10 = 50 हुआ, 38 + 32 कितना होगा 17 होगा,
सॉरी 70 होगा, तो इन दोनों को ऐड करें तो 120 हमारा आंसर होगा 120। इसमें हमने देखा एडिशन फॉलो कर रहा था, इसमें देखा मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा था। आपको क्या करना है, कोडिंग और डीकोडिंग में असेंडिंग है कि डिसेंडिंग, आपको बस उसको कोडिंग फॉर्म में लिख देना है, फिर देखना है कि वो क्या फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, एडिशन कर रहा है, उसका ट्वाइस हो रहा है, उसका हाफ हो रहा है, बस ये स्टेटिस्टिक फॉर्म में इतने ही कॉन्सेप्ट आपको काफी है कोडिंग और डिकोडिंग में समझने के लिए। तो चलो हम और भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे और क्लियरिटी मिलेगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है आई एम एच ओ इज इक्वल टू जे एन आई पी। ये क्या बोल रहा है, आई को हम जे से लिख सकते हैं, एम को एन से लिख सकते हैं, एच को आई से, ओ को पी से लिख सकते हैं। और बोल रहा है आई डी के इज इक्वल टू जे ई आई, देन व्हाट एन एसओ एन टीपी, मतलब इक्वेशन, मतलब एस इज इक्वल टू टी, ओ इज इक्वल टू पी, ऐसा बोला है। तो बोल रहा है आई डी पी इज व्हाट, तो इससे हमें मिलेगा आई को किससे बोलेंगे, जे, इक्वल मतलब दोनों साइड सेम है, LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसा बोल इसका मतलब होता है। तो I को क्या बोल रहे J, तो ये हमें मिल गया। IDP को हमें फाइंड करना है, तो I को J, जो कि इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है I J, देन D, इधर I को J बोल सकता हूं तो D को मैं E बोल सकता हूं, ओके D E। तो इसमें ये दोनों कौन फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास P को क्या बोलेंगे हम बाद में देखेंगे, पहले देख रहे हैं जेई कहां पे आ रहा है, इधर आ रहा है और कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो हमें 100% हमारा श्योर हो गया है कि ये आंसर डी ही आएगा। अगर हम चेक करना चाहे पी को किससे लिख सकते हैं, तो पी ओ, इधर हमारा ओ आएगा, पी को ओ लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। सो थैंक यू गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी इंटरेस्टेड है एप्टीट्यूड और रीजनिंग सीखने के लिए। तो हमने जो इधर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप हमें सॉल्व करके बता सकते हो कमेंट में, हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। तो प्लीज इसको सॉल्व करिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या क्या आ रहा है। So thank you once again, thank you so much.